इसका परिणाम क्या क्या होगा। जैसे सर आपने कहा कि कोई शहर है वहाँ पहले उतने लोग नहीं थे, लेकिन वो माइग्रेट करके बिहार से यूपी से आ गए महाराष्ट्र में, जैसे आपने देखा, तो वहाँ आने के बाद इसके क्या प्रभाव क्या परिणाम होते हैं, तो उन परिणामों पे भी हम लोग प्रवासन का परिणाम इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्रवासन के परिणाम और कारणों का जो इसको हम देखेंगे कि इसका विविध है, जिस तरह से हमने देखा था कि कारण क्या क्या है, उसी तरह से इसके परिणाम भी सब जगह अलग अलग तरीके से पड़ते हैं, और यह परिणाम दोनों क्षेत्रों में महसूस किया, अर्थात प्रवासी की उत्पत्ति क्षेत्र और गंतव्य क्षेत्र, अर्थात प्रवासी जहां से आया जैसे बिहार और यूपी से आया वहां भी यह परिणाम महसूस किया जाता है, उसी तरह से प्रवासी जहां गया महाराष्ट्र गया गुजरात गया तो वहां भी इसका परिणाम आपको साफ पता चलता है। तो यह प्रवासन के परिणामों में आर्थिक सामाजिक जनसंख्या के और पर्यावरण, यानी वहां के इकोनॉमी की पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके वहां के समाज के विन्यास पे भी प्रभाव पड़ेगा, वहां का डेमोग्राफिक भी चेंज होगा यानी जनसंख्या की, और वहां का जो इन्वायरमेंट का जो पर्यावरण है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन सब को हम लोग एक एक करके देखते हैं। आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, जनसंख्या परिणाम और पर्यावरणीय परिणाम। तब आर्थिक परिणाम, आर्थिक परिणाम यह होता है कि इसको हम एक एक करके आपको डील कर देते हैं। आर्थिक परिणाम, जब वहां से माइग्रेट करके, जैसे सपोज कीजिए कोई बिहार से माइग्रेट करके दिल्ली आ गया या महाराष्ट्र चला गया, तो क्यों गया? क्योंकि बिहार में रिसोर्सेस नहीं था, महाराष्ट्र में उसके पास रिसोर्सेस था इसलिए गया। तो वहां जाने के बाद रिसोर्स डिप्लेशन हो जाएगा, यानी जो पहले से वहां मूल लोग रह रहे थे अब उनके आर्थिक पे इन लोगों का प्रभाव पड़ने लगा और उनका वर्चस्व होने लगा, तो संसाधनों पे, फिर संसाधनों को लेकर के भी इन लोगों में आप देखते हैं महाराष्ट्र में अक्सर बिहारी और यूपी वाले के लिए झगड़ा होता रहता है और वहां के लोकल पार्टी ये करते रहते हैं। तो बेसिकली ये जो है वहां के आर्थिक परिणाम है, आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेस है। क्योंकि उसी तरह से सामाजिक, सामाजिक कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे, तो सामाजिक कॉन्सिक्वेंसेस में आप वहां का जो समाज है, आप सपोज कीजिए बिहार यूपी या नॉर्थ इंडिया से गया और पहले वहां की आबादी थी सपोज कीजिए जिसमें 90% वहां के लोकल लोग थे, फिर यहाँ से माइग्रेंट वर्कर आते आते अब क्या हो गया यहाँ पोजीशन कि 70% लोकल लोग हैं और 30% माइग्रेंट हो गए। तो इस तरह से जो सामाजिक क्षेत्र है, तो अब ये 30% वहाँ जाने के बाद, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप लीजिए कि एक लोकल पर्व बिहार में है छठ, अब ये छठ महाराष्ट्र में भी मनाई जाती है, अब ये छठ हरियाणा में भी मनाई जाती है, दिल्ली में भी मनाई जाती है, तो ये सामाजिक परिणाम हुआ, यानी वहाँ की संस्कृति जो ये माइग्रेंट अपने साथ लाए वहां भी जाके ये वहां अपने समाज में एक साथ वो लाए। तो इस प्रकार आप देखें तो ये सामाजिक परिणाम आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगा। उसी के बाद अगर हम बात में करें तो जनसंख्या की परिणाम, डेमोग्राफिक फैक्टर या डेमोग्राफी जो होता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो डेमोग्राफी फैक्टर भी मौजूद होगा। और इसमें होता क्या है कि जैसे आप बिहार यूपी एमपी या उड़ीसा से ये सब से माइग्रेंट करके महाराष्ट्र आ गया, अब महाराष्ट्र का जो पॉपुलेशन था, ठीक है, उस पॉपुलेशन में 60% सपोज कीजिए या 70% 60% नहीं, मतलब समझिए कि इसको इस तरह से लिखें, उसमें 40% बूढ़ा था और 60% युवा था महाराष्ट्र में, अभी जो यहाँ से 100% आबादी थी, फिर ये माइग्रेंट लोग आके जुड़ गए इसमें, और माइग्रेंट लोग जब आके जुड़े तो अब जो इसका हम घनत्व निकालते हैं तो 100 में से सिर्फ 30% बूढ़ों की आबादी और 70% नौजवानों की आबादी। अब इस 70% में से सिर्फ 50% ही वहाँ के मूल है, बाकी 20% जो है जो युवा आया वो युवा माइग्रेंट वर्कर हो गया। तो इस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो जाता है और जो युवा है उसकी संख्या भी
माइग्रेंट वर्कर की वजह से बढ़ जाती है, तो ये आपको डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि इस डेमोग्राफिक चेंज में जब हम लोग आपको जनसंख्या पढ़ाएंगे और जनसंख्या का विश्लेषण करना बताएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि जो डेमोग्राफी होता है, जो हम लोग जनसंख्या के बारे में स्टडी करते हैं या जो अध्ययन करते हैं, तो उसमें किन किन पैमानों को लेते हैं। तो उसमें एक लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है जिसको सेक्स रेशियो हम लोग कहते हैं। तो अब ये जनसंख्या में क्या होता है, सेक्स रेशियो का भी डिफ्रेंसेस हो जाता है। चूंकि हम जानते हैं जब माइग्रेंट करके मजदूर जो आता है तो उसमें 90% जो है वो आपको पुरुष होते हैं, और जो औरतें होती है वो गांव में ही रहती है, उनकी जो भी औरतें होती हैं वो बिहार यूपी जहाँ वहीं रहती है। तो ये पुरुष यहाँ आ जाते हैं, तो इससे फिर क्या हो जाता है कि सेक्स रेशियो में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे ये जनसंख्या के बारे में विश्व भूगोल में, इसमें विस्तृत रूप से है, विश्व भूगोल में आपको पढ़ाएंगे, तो जब वैश्विक स्तर पर देखते हैं जनसंख्या का सेक्स रेशियो और माइग्रेशन की स्थिति देखते हैं, तो इंडिया में जब आप जाएंगे गांव देहात में, तो आपको गांव में खेत में काम करते हुए क्या मिल जाएंगे, औरतें ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो है गांव में माइग्रेंट करके सारे मर्द, ज़्यादातर मर्द जो है वो बड़े बड़े शहरों में चले गए, तो गांव में केवल आपको औरतें मिलेंगी। ठीक जब आप यूरोप जाएंगे, यूरोपियन कंट्री का सफ़र करेंगे, तो ठीक आपको उल्टा मिलेगा। जब यूरोप के गांव में आप जाएंगे, वहां के खेत में आप जाएंगे, तो वहां आपको क्या मिलेगा, वहां ज़्यादातर पुरुष मिलेगा, औरत नहीं मिलेगी। और औरत कहाँ है, औरत अर्बन एरिया में माइग्रेट करके चली गई है, जो अपना बेहतर जॉब के लिए चली जाती है। तो ये आपको यूरोप में ठीक इसका उल्टा, और जो अपना साउथ ईस्ट एशिया है और जो आप कह रहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें यही है कि माइग्रेंट करके मर्द चले जाते हैं। तो इस तरह से ये डेमोग्राफी चेंज जो है ये आपको क्लियर कट इसमें देखने को मिलेगा। तीसरा चीज है पर्यावरणीय परिणाम। डेफिनेटली बात है, जब माइग्रेंट वर्कर आए तो यहाँ जो रिसोर्स था, जो पर्यावरण, जो भी रिसोर्स है, हम जैसे कल हमने बताया था प्राथमिक रिसोर्स, तो प्राथमिक रिसोर्स क्या है, हम जो डायरेक्ट लैंड से लेते हैं, जमीन से लेते हैं, तो उन प्राथमिक रिसोर्सों को अगर हम देखें डायरेक्ट जो क्या, तो अब यहाँ सपोज कीजिए कि ये रिसोर्स 100% था और इस पे यहाँ की आबादी क्या थी, 100 लोगों की थी मानते हैं, तो ये 100 लोग इस 100 रिसोर्स पे काम थे, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से गुजारा चल रहा था। लेकिन जैसे यहाँ से 50 लोग बिहार और यूपी से और आ गए यहाँ पे, तो अब ये क्या हो गया, 150 लोग हो गए। अब 150 लोग फिर इस रिसोर्स पे आएंगे, अब जैसे ही रिसोर्स पे आएंगे तो क्या होगा, रिसोर्स डिप्लेशन होगा, अर्थात जो सोर्स है उसका ह्रास होगा, और जब उसका ह्रास होगा, रिसोर्स डिप्लेशन होगा, तो फिर पर्यावरणीय संकट भी पैदा होगा, और जो पर्यावरणीय संकट पैदा होगा तो फिर, तो इसी तरह, तो इसका एक ही है कि हम किस तरह से माइग्रेंट वर्कर को सस्टेनेबल वे में, यानी सतत तरीके से जो हमारा पर्यावरण भी बचा रहे हैं, इनकी भी रोजी रोजगार बचा रहे, तो इसको किस तरह से प्लान किया जाए, इस पर भी गौर करने की हमको ज़रूरत है। तो ये मुख्यतः हम लोगों ने देखा कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, माइग्रेशन होता क्या है, माइग्रेशन के प्रकार क्या है, माइग्रेशन के क्या क्या कारण हैं और क्या परिणाम है। तो ये अक्सर इसलिए है कि ये आपको मुख्य परीक्षा के लिए तो लगभग समझिए आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि अभी माइग्रेशन संकट हुआ है। माइग्रेंट अर्थात प्रवासन की समस्या भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो इस COVID-19 के दौरान देखने को मिली, इस पर चर्चा करें, इस तरह से क्वेश्चन आपको मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप PT और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर कोई भी इसमें पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चन, कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन, माइग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।